बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में मैंने वीबी का चैप्टर थर्ड स्टार्ट किया है। चैप्टर थर्ड है जिसमें मैं आपको बताऊंगी असाइनिंग प्रॉपर्टीज़ एट डिज़ाइन टाइम एंड असाइनिंग प्रॉपर्टीज़ एट रन टाइम। आज की वीडियो में मैं आपको प्रोग्राम पे प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगी प्रोग्राम। बहुत से व्यूवर्स का कमेंट आ रहा था कि वीबी पर वीडियोस बनाए, वीबी के प्रोग्रामिंग पे वीडियो बनाए, तो मैंने ये स्टार्ट की है। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 2 के इम्पॉर्टेंट लॉ क्वेश्चन पे बात की थी और आज चैप्टर 3 के इम्पॉर्टेंट लॉ क्वेश्चन है उस पे बात की जा रही है, असाइनिंग प्रॉपर्टीज़ एट डिज़ाइन टाइम एंड असाइनिंग प्रॉपर्टीज़ एट रन टाइम। वीडियो में आपको मैं आज प्रोग्रामिंग भी प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी, सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे, वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है, शॉर्ट ही है, तो वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। विदाउट टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर थर्ड है जिसमें हम आज का स्टार्ट करते हैं, असाइनिंग प्रॉपर्टीज़ एट डिज़ाइन टाइम। प्रॉपर्टीज़ को डिज़ाइन टाइम में कैसे असाइन किया जाता है? एक ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको हम कैसे डिज़ाइन टाइम में असाइन करते हैं। उसको असाइन करने के हमारे पास दो मेथड है, एक डिज़ाइन टाइम में असाइन करना और एक रन टाइम में। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिज़ाइन टाइम में प्रॉपर्टीज़ को कैसे असाइन किया जाता है। द प्रॉपर्टीज़ विंडो कैन बी यूज टू सेट और चेंज द प्रॉपर्टीज़ एट डिज़ाइन टाइम। प्रॉपर्टी विंडो यूज़ की जाती है सेट और चेंज करने के लिए प्रॉपर्टीज़ को डिज़ाइन टाइम में। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी उसमें मैंने प्रॉपर्टीज़ और ऑब्जेक्ट्स पर बात की थी। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट अपेयर इन प्रॉपर्टी विंडो इन नेम सेटिंग पेयर। नेम सेटिंग पेयर में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमें शो हो रही होती हैं प्रॉपर्टीज़ विंडो में। द नेम रेफर टू द नेम ऑफ प्रॉपर्टी एंड सेटिंग इज द वैल्यू असाइन टू द प्रॉपर्टी। नेम रेफर कर रहा होता है कि प्रॉपर्टी का जो नेम है वो, और जो सेटिंग है वो हमारे पास रेफर कर रही होती हैं कि जो वैल्यू हम उसको प्रॉपर्टी को असाइन करेंगे। इसका जो प्रोसीजर है कैसे हम एक प्रॉपर्टी का सेट कर सकते हैं या उसको चेंज कर सकते हैं डिज़ाइन टाइम में, उसका एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर हम देखते हैं। सेलेक्ट ए कंट्रोल, ऑल प्रॉपर्टी ऑफ सेलेक्टेड कंट्रोल विल अपेयर इन प्रॉपर्टीज लिस्ट। कंट्रोल हमने सेलेक्ट करना है, उसके बाद जो सेलेक्टेड कंट्रोल होगा उसकी प्रॉपर्टीज हमें लिस्ट हमें अपेयर हो जाएगी। सेलेक्ट द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी इन प्रॉपर्टीज लिस्ट, और सेलेक्ट करनी है जो प्रॉपर्टी हमें रिक्वायर्ड है प्रॉपर्टीज लिस्ट में से। टाइप द न्यू वैल्यू इन सेटिंग बॉक्स और सेलेक्ट द न्यू वैल्यू फॉर अ लिस्ट और डायलॉग बॉक्स। और सेटिंग बॉक्स में से हमने जो वैल्यू हमने उसकी सेट करनी है वो हमने वहाँ पर टाइप कर देनी है न्यू वैल्यू से। पिक्चर में आपको एग्जांपल की दिखाती हूँ, ये देखिए हमारे पास इस तरह होगी प्रॉपर्टी विंडो। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक नेम वाला बॉक्स है और ये हमारे पास एक बॉक्स है सेटिंग वाला। नेम हमारे पास शो कर रहा है प्रॉपर्टी को और सेटिंग बॉक्स हमारे पास शो करता है जो हम उसको वैल्यू असाइन करेंगे। यहाँ से हमने नेम को सेलेक्ट किया और यहाँ पे पहले हमारे जो सेलेक्टेड कंट्रोल का नेम था कमांड 1, यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करने के बाद इसकी सेटिंग को चेंज करेंगे। हमने यहाँ चेंज करके इसको कर दिया कमांड क्लिक। ये देखिए यहाँ हमने कमांड क्लिक कर दिया, पहले हमारे कंट्रोल का नेम आ रहा था कमांड 1 और जब हमने उसकी सेटिंग को चेंज किया तो वहाँ गया कमांड क्लिक। इस तरह की हमारी प्रॉपर्टी विंडो होगी और एज ए प्रोसीजर के मुताबिक हमारा इस तरह डिज़ाइन टाइम में प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास असाइनिंग प्रॉपर्टीज़ एंड रन टाइम। रन टाइम में प्रॉपर्टीज़ को कैसे असाइन किया जाता है? द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी सेट और चेंज एट रन टाइम वाइल द एप्लीकेशन इज रनिंग। जब हमारी एप्लीकेशन रन हो रही होती है तब भी हम अपनी जो ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टी को सेट और चेंज कर सकते हैं। द स्टेटमेंट कैन बी रिटन इन कोड विंडो टू चेंज प्रॉपर्टी एट रन टाइम। रन टाइम में प्रॉपर्टी को चेंज और सेट करने का जो मेथड है वो ऐसे होता है कि हम कोड विंडो में स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट के जरिए हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज होती है। ऑल प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपेयर व्हेन ए डॉट इज प्रेस्ड आफ्टर द ऑब्जेक्ट नेम। ऑब्जेक्ट नेम के बाद जब आप एक डॉट प्रेस करते हैं, डॉट प्रेस करना ये ऑब्जेक्ट नेम, ये उसका सेंटेक्स है। जब आप डॉट प्रेस करते हैं तो आपके पास एक प्रॉपर्टीज़ की और मेथड की जो लिस्ट होती है वो आपको शो हो जाती है। द यूज़र कैन सेलेक्ट एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट, और यूज़र को जो प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड हो वो उसमें से सेलेक्ट कर सकता है। हाउ एवर सम प्रॉपर्टीज़ कैन नॉट बी चेंज एट रन टाइम। अब इसकी भी एग्जाम्पल, सबसे पहले हम इसका सेंटेक्स देखते हैं कि कोड हम लिखेंगे कैसे। सेंटेक्स है,
कंट्रोल नेम डॉट प्रॉपर्टी इज इक्वल सेटिंग। कंट्रोल नेम यानी जो भी ऑब्जेक्ट या जिसकी भी हमने चेंज करनी है प्रॉपर्टी, उसका नेम हमने लिखना है। उसके बाद डॉट, ये इसका सेंटेक्स है। जैसे ही हम ये डॉट प्रेस करेंगे, हमारे पास एक लिस्ट आ जाएगी प्रॉपर्टीज़ की, उसमें से हमें जो प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड हो वो हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा वो सिलेक्टेड प्रॉपर्टी आ जाएगी। उसके बाद इज इक्वल डालेंगे और हमारे पास सेटिंग, सेटिंग मैंने आपको पहले भी बताया था, सेटिंग होती है यानी जो वैल्यू हमने उसको असाइन करनी होती है प्रॉपर्टी को, वो हम वैल्यू यहाँ लिखेंगे। कंट्रोल नेम, इट रेफर टू द कंट्रोल हुज प्रॉपर्टी इज टू बी असाइन ए वैल्यू। प्रॉपर्टी, इट रेफर टू द प्रॉपर्टी हुज वैल्यू इज टू बी असाइन। सेटिंग, इट रेफर टू द वैल्यू असाइन टू द प्रॉपर्टी। जी, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है एक प्रोग्राम इन्होंने दिया है, उसके थ्रू एग्जाम्पल है ये आपको समझा रहे हैं। द फॉलोइंग एग्जाम्पल शो द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग प्रॉपर्टीज एट रन टाइम यूजिंग कोड विंडो। कोड विंडो को यूज़ करते हुए हम कैसे प्रॉपर्टीज़ को असाइन कर देते हैं रन टाइम में। स्टार्ट विजुअल बेसिक एंड सेलेक्ट ए न्यू स्टैंडर्ड एक्सेल प्रोजेक्ट। प्लेस ए कमांड बटन ऑन द फॉर्मेट सेट इट्स कैप्शन प्रॉपर्टी टू क्लिक मी। सबसे पहले आपने विजुअल बेसिक को स्टार्ट करना है और उसमें स्टैंडर्ड एक्सेल प्रोजेक्ट है उसको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद प्लेस ए कमांड बटन, हमारे पास एक फॉर्म शो होगा, उस फॉर्म पे हमने बटन कमांड बटन प्लेस करना है। कमांड बटन टूल बॉक्स में से हमने कमांड बटन प्लेस करना है फॉर्म पे, एंड इट्स और उसकी कैप्शन प्रॉपर्टी सेट करनी है क्लिक मी से। कमांड वन उसके ऊपर लिखा आ रहा होगा इसकी कैप्शन, कमांड बटन की उसकी कैप्शन हमने प्रॉपर्टी विंडो में जाके क्लिक मी सेट करनी है। डबल क्लिक द कमांड बटन द कोड विंडो विल अपेयर। जब आप कमांड बटन पे डबल क्लिक करेंगे, वो कमांड बटन जो आपने फॉर्म पे प्लेस किया था, जब आप उसके पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास एक कोड विंडो अपेयर हो जाएगी। कोड विंडो ऐसी होगी कि आपके पास टू लाइंस लिखी हो रही होंगी बाय डिफॉल्ट, और उन टू लाइंस के सेंटर में एक लाइन ब्लिंक कर रही होगी, वहाँ आपने कोड लिखना होता है। टाइप फॉर्म वन एंड टाइप फॉर्म वन एंड प्रेस डॉट। फॉर्म वन लिखेंगे जिसकी आपने प्रॉपर्टी चेंज करनी है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा वहाँ पे। उसके बाद प्रेस डॉट, प्रेस डॉट जैसे ही आप करेंगे द लिस्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ द फॉर्म विल अपेयर। तो जो प्रॉपर्टीज और मेथड की लिस्ट है वो आपके पास अपेयर हो जाएगी। यहाँ पिक्चर में हम देखते हैं, ये देखिए ये हमारे पास कोड विंडो आ गई। जब हमने कमांड बटन रखा और उसको डबल क्लिक किया तो हमारे पास एक ये आ गई कोड विंडो। ऐसे हमारे पास कोड विंडो होगी, ये प्राइवेट सब कमांड क्लिक किया हमारे पास बाय डिफॉल्ट, और एंड सब ये टू लाइन्स हमारे पास बाय डिफॉल्ट होंगी। इसके सेंटर में लाइन ब्लिंक करी होगी जो हम कोड लिखेंगे। हमने लिखा फॉर्म वन, फॉर्म वन लिखा उसके बाद डॉट प्रेस किया। जैसे हमने डॉट डाला हमारे पास ये आ गई लिस्ट आ गई प्रॉपर्टीज़ की। यहाँ से हम जो प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड होगी वो सिलेक्ट करेंगी। ये देखिए ये हो गया ऑब्जेक्ट नेम, प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्म वन एंड मेथड ऑफ फॉर्म वन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्रेस द लेटर सी। लेटर सी को हम प्रेस करेंगे द कैप्शन प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्म विल बी हाईलाइटेड। जब हम लेटर सी को प्रेस करेंगे तो जो कैप्शन प्रॉपर्टी है वो हाईलाइटेड हो जाएगी। प्रेस स्पेस बार एंड देन इज इक्वल रन टाइम प्रॉपर्टीज। उसके बाद स्पेस बार डालेंगे और उसके बाद हम इक्वल का साइन डालेंगे जैसे हमने सेंटेक्स में देखा था, और इसके बाद हम इन्वर्टेड कॉमास में लिख देंगे रन टाइम प्रॉपर्टीज। या इसके अलावा आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में जो आप लिखेंगे वो हमारा उसके साथ चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है, पिक्चर में देखते हैं हम, ये देखें ये फॉर्म वन डॉट कैप्शन। जब हमने सी लेटर प्रेस किया तो कैप्शन की जो प्रॉपर्टी हाईलाइटेड होगी वो हमने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद इक्वल का साइन और ये रन टाइम प्रॉपर्टी हमने इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया। ये हमारा आ गया ऑब्जेक्ट का नेम, ये हमारा आ गया प्रॉपर्टी नेम, और ये हमारा आ गया प्रॉपर्टी वैल्यू जो हमने चेंज की थी। नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप जो है हमारे पास वो देखते हैं। उसके बाद प्रेस F5 टू रन द प्रोजेक्ट। उसके बाद F5 आपने प्रेस करना है, आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। उसके बाद क्लिक द बटन, और जो बटन हमारे पास प्रेस F5 करने के बाद जो बटन हमारे पास शो होगा, जैसे हम उसको क्लिक करेंगे द टेक्स्ट रन टाइम प्रॉपर्टी विल अपेयर ऑन द फॉर्म टाइटल बार। तो जो फॉर्म की टाइटल बार थी वो उसका चेंज हो जाएगा नेम वहाँ, और वहाँ आ जाएगा रन टाइम प्रॉपर्टी। उसकी कैप्शन चेंज हो जाएगी, वहाँ पर रन टाइम प्रॉपर्टी आ जाएगा जैसा हमने कोड सेट किया था। और ये देखें ये हमारे पास पहले फॉर्म के लिखा आ रहा था फॉर्म वन, ये हमारे पास जैसे ही हमने F5 प्रेस किया हमारे पास ऐसा एक बॉक्स आ गया। उस पर जब हमने बटन को प्रेस किया तो बटन को प्रेस करने के साथ ही ये देखिए हमारे पास यहाँ टाइटल चेंज हो गया, यहाँ लिखा गया रन टाइम प्रॉपर्टीज़। यूँ हमारी कैप्शन चेंज होगी, फॉर्म कैप्शन बिफोर कमांड बटन क्लिक एंड फॉर्म कैप्शन आफ्टर बटन क्लिक। मैंने आपको ये रिटन फॉर्म में इसलिए दिखाया है क्योंकि
आपने पेपर जो सॉल्व करना होता है वो आपने रिटन ही करना होता है। प्रैक्टिकल में भी आपको रिटन ही ज़्यादातर करना होता है, इसलिए रिटन मैंने आपको करके दिखाया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने प्रोग्राम में कैसे करना है। सबसे पहले आपने इसको सिलेक्ट किया, इसको ओपन किया और हमारे पास ऐसे एक बॉक्स आ जाएगा। यहाँ आपने स्टैंडर्ड एक्से प्रोजेक्ट को ओपन करना है, ये सिलेक्टेड है, इसको हमने ओपन किया और ये हमारे पास आ गया फॉर्म। ये देखें हमारे पास ऐसा फॉर्म आ जाएगा। अब जो सेकंड स्टेप था हमारा वो था प्लेस ए कमांड बटन। ये हमारे पास आ रहा है कमांड बटन, इसको हमने यहाँ पे प्लेस किया, ये कमांड बटन हमारे पास प्लेस हो गया, सॉरी ये कमांड बटन आ गया। अब कमांड बटन को सिलेक्ट किया हमने और ये देखिए इसकी प्रॉपर्टी विंडो हमारे पास इस साइड पे राइट साइड पे शो हो रही है। ये कैप्शन, यहाँ से हमने इसकी कैप्शन चेंज करनी है, जैसे कि एग्जांपल में था कि आपने कमांड बटन को सिलेक्ट किया और उसकी कैप्शन चेंज कर दी। यहाँ हम इसकी कैप्शन चेंज कर देती है, क्लिक मी से हमने इसकी कैप्शन चेंज कर दी। अब ये देखिए, अब हमने कमांड बटन पे डबल क्लिक किया तो ये कोड विंडो हमारे पास अपेयर होगी। ये कोड विंडो हमारे पास आ गई, इसकी सेंटर में देखिए लाइन ब्लिंक कर रही है। यहाँ हम अपना कोड लिखेंगे। कोड क्या था, हम लिखेंगे फॉर्म वन लिख लिया, यानी जिसकी हम चेंज करना चाहते हैं प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट उसका नेम हमने लिख दिया। उसके बाद डॉट, जैसे ही हम डॉट प्रेस करेंगे हमारे पास ये देखिए, जैसे ही हमने फॉर्म वन और डॉट प्रेस किया हमारे पास ये आ गई प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट आ गई। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था वो था हमने सी लेटर प्रेस किया। जैसे हमने सी लेटर प्रेस किया ये कैप्शन की जो प्रॉपर्टी हाईलाइटेड होगी और हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, कैप्शन हमारे पास सिलेक्ट होगी। अब ये इसके बाद स्पेस बार और इसके बाद हमने डालना था इक्वल का साइन। इक्वल साइन डालने के बाद अब हम इन्वर्टेड कॉमास में जो सेटिंग हम चेंज करना चाहते हैं या जो वैल्यू प्रॉपर्टी के साइन करना चाहते हैं अब हम वो लिखेंगे। रन टाइम प्रॉपर्टीज के हमने लिख दिया रन टाइम प्रॉपर्टीज इन्वर्टेड कॉमास में। अब यहाँ हम F5 प्रेस करेंगे रन करने के लिए या हम ये इस एरो को यूज करेंगे। हम यहाँ से रन करने के लिए F5 को प्रेस करते हैं। ये हमारे पास आ गया फॉर्म और इस पे आ गया ये बटन। जैसे ही हम इस बटन को प्रेस करेंगे ये देखिए हमारी प्रॉपर्टी चेंज होगी। इसको क्रॉस करते हैं, दोबारा मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए F5 प्रेस किया, ये हमारे पास विंडो ये आ गई, इस पे आप देख लें फॉर्म वन लिखा हुआ है। जैसे ही हम बटन को प्रेस करेंगे रन टाइम प्रॉपर्टी से हमारी ये चेंज हो जाएगी। इस तरह आप अपने प्रोग्राम की अपने फॉर्म की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं रन टाइम में और डिज़ाइन टाइम में। रन टाइम है, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। और जिन व्यूवर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।